नमस्ते, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुवार को जो वीडियो जारी हुआ था उसके लिए जो अप्रतिम रिस्पांस मिला, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो एक्सपीरियंस है वो पूरा का पूरा लगा के मैंने आपसे मेरा व्यू शेयर किया है। और आश्चर्य की बात है कि शुक्रवार के दिन जो 10 स्टॉक्स थे उसमें से 9 स्टॉक्स एवरेज 8% की रैली हमने देखने को मिली। कई स्टॉक्स तो 15-17% भी रैली होते नजर आए, तो ये बहुत अच्छी बात है। करेक्शंस आएंगे उसमें और ऐड करेंगे, पर मेरा मानना है कि ये सारे स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन है, आपको उस पर ध्यान रखना चाहिए। हर गिरावट पे बाय करने की सलाह है। दोस्तों, इसी के साथ हम जो सेकेंड हफ्ता है उसके बारे में बात करेंगे, अक्टूबर सीरीज का। तो चलिए आते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी का चार्ट अगर देखते हैं दोस्तों, तो मैंने पिछले पिछले हफ्ते जो ट्रेंड लाइन निकाला था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, माइनर ट्रेंड भी ऊपर है, मेजर मीडियम टर्म ये सारे ऊपर ही है, पर माइनर ट्रेंड भी तब तक ऊपर ही रहेगा। तब यानी जब तक इस ट्रेंड लाइन के वैल्यू के ऊपर है हम, तब तक कोई डरने की बात नहीं। पर इस हफ्ते जो हुआ है उसके कारण मुझे लगता है कि ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए भी नहीं आना चाहिए मार्केट। 17,600 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 3 दिन से लगातार इधर काफी अच्छी बिकवाली देखने को मिली, फिर भी हम ये इंपॉर्टेंट लेवल टूटे नहीं और हम ऊपर जाते नजर आए। और अभी जो बैरियर है वो साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ 18,000 है। तो जब हम 18,000 क्रॉस करेंगे दोस्तों, तब एक नया मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो हम अभी ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। एनएससी पे जाएंगे, एनएससी की वेबसाइट जहाँ पे हम ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे। और जिस तरीके से ऑप्शन चेन पैन आउट हो रहा है, मेरा मानना है कि मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि निफ्टी में काफी अच्छे शॉर्ट पोजीशंस ऑन द हायर लेवल्स बनते नजर आ रहे हैं। ये एक बून है ट्रेडर्स के लिए, जो जो कि पिछले कई महीनों से हम देखते आ रहे हैं कि जब जब ऑन द हायर साइड बहुत बड़ा ओआई बिल्टअप होता है और वो ट्रैप होता है, तो वापस एक बार एक अच्छी मूव आती नजर आती है। दोस्तों, ये हमने पहले भी देखा है कि जब थोड़ा सा करेक्शन आता है तो जो वीक सेगमेंट है, वीक यानी कौन वीक, जिनके पास नॉलेज नहीं वो वीक कह रहा हूं मैं, वो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर देते हैं। और जब कई लोगों से, कई एरिया से बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया, ये जब सुनने के लिए आता है, तब हमें वो शॉर्ट पोजीशंस एक्सटेंसिवली क्रिएट होते नजर आते हैं। और यही लोग हैं जो कि स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर यानी कौन, जिनके पास नॉलेज है, टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, डेरिवेटिव डाटा रीडिंग का नॉलेज है, वो लोग इसका एडवांटेज लेते हैं और बहुत बड़ी मूव आप कैप्चर कर पाते हो। तो ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे दोस्तों, जिस तरीके से क्लोजिंग आई है 17,900 के एकदम इर्द गिर्द, तो 17,900 से हम चालू कर देंगे। ऑन द लोअर साइड 17,800, 700, 600, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन चेन डेटा में सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, यानी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। ये जब तक ट्रैप नहीं होते तब तक मुझे कोई गिरावट, बड़ी वाली गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि शुक्रवार के दिन सबसे बड़ा ओआई एकदम नजदीक 17,900 पे ही देखने को मिल रहा है, यानी बोल सकते कॉन्फिडेंट है कि इससे नीचे भी नहीं जाएगा। पर टेक्निकल लेवल 600 के पास आती है। अगर कोई रीजन से मार्केट थोड़ा सा करेक्टिव रैली देती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगला हफ्ता छोटा है, 4 दिनों का है और चौथे दिन वीकली एक्सपायरी है। तो मेरा मानना है कि अगर हम 17,900 के नीचे जाते ही नहीं है तो ड्यूरिंग द वीक, ड्यूरिंग द इंट्रा वीक, तो मेरा मानना है कि शॉर्ट ट्रैपिंग देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी ट्रैपिंग कब मिलेगी, जो कि इधर है 71,000 शेयर्स 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पे है, कॉल राइटर्स यानी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की है। तो शुक्रवार के दिन कितने एक्टिविटी हुई, हाईएस्ट हुई है लगभग 29,000 शेयर्स की, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही ये टूटेगा फिर हम 18,100 और फिर 200 की ओर चलते नजर आ सकते हैं।
तो दोस्तों आपकी नजर होनी चाहिए 18,000 के बैच, साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल दोनों मैच हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर ये लेवल निकलता है तो मार्केट ऐसे चलेगा। तो आपका ध्यान होना चाहिए इस वैल्यू पे, 18,000 सेंसेक्स पे। अगर ये निकल जाता है तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली बिल्कुल देखने को मिलेगी। और सेक्टर्स के बारे में जो बात करने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद, हमें वो सेक्टर्स के स्टॉक्स देखने देखने चाहिए जहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये रहा ऑप्शन चेन डेटा और टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्बिनेशन निफ्टी में। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो एकदम साइडवेज है पिछले एक दो, ये एक दिन छोड़ दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन से एकदम सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है। ये रेस्टिंग का काम कर रहा है दोस्तों। लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए, ये चैनल का ब्रेकआउट उसको टेस्ट किया है, ऊपर गया है और अभी रेस्ट कर रहा है। ये पैटर्न बहुत अच्छा होता है, ऊपर में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हो रहे हैं, इसका ट्रैपिंग में बहुत अच्छी मूव हमें देखने को मिलेगी। इधर अभी नेक्स्ट लेवल क्या है, 38,250, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये एक बार निकल जाए तो 39,000 और उसके ऊपर के लेवल्स मैं आश्चर्य नहीं हूंगा कि हफ्ते 2 हफ्ते में देखने को मिलेंगे। तो इधर से लगभग लगभग आपको 1,000 1,200 1,300 पॉइंट की रैली और देखने को मिल सकती है। पर बाय कब करना है, 38,250 के ऊपर कैश बैंक निफ्टी पे। तो जिस तरीके से ये चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि मेरा कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी पे बिल्कुल देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, अभी सेक्टर्स देखते हैं। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप स्ट्रांग है, कोई बिकवाली के संकेत नहीं है। देखिए दोस्तों, जब ये क्रैक आया तभी मैंने कहा ये सिर्फ एक करेक्शन है, कोई डरने वाली बात नहीं। और हम 29,000 से लेके 31,500 तक की रैली हमने देखी। अभी इधर से और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, कोई भी मंदी के संकेत नहीं। स्मॉल कैप में अगर देखते हैं तो मेरा मानना है कि सॉरी, स्मॉल कैप का भी सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट चार्ट पैटर्न है, कोई वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ आता नजर आ रहा है। और ये सेक्टर्स रहेंगे जो कि मार्केट को आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आएंगे। सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो पहले हम TCS का रिजल्ट आया था शुक्रवार को मार्केट खत्म होने के बाद, तो हम पहले IT सेक्टर पे ध्यान देंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन है, इधर भी सपोर्ट लिया था, इधर भी सपोर्ट लिया था। मुझे लगता है जब तक अभी ये सपोर्ट्स टूटते नहीं है, जो कि लगभग 34,750 के आसपास है, 34,750 के आसपास, जब तक ये लेवल्स टूटते नहीं है तब तक कोई मंदी की बात नहीं होगी IT सेक्टर में। IT सेक्टर परफॉर्म करता नजर आएगा, आउट परफॉर्मेंस दिलाता नजर आएगा। प्राइस पैटर्न कुछ नहीं है दोस्तों, प्राइस पैटर्न कुछ नहीं है, पर स्टॉक स्पेसिफिक आपको प्राइस पैटर्न बिल्कुल देखने को मिलेंगे। इंडेक्स वाइज मुझे लगता है कोई डरने वाली बात नहीं है, जब तक मैंने जो लेवल कहा वो टूटता नहीं है। ऑन द हायर साइड वो जो स्विंग टॉप था पिछला, ये ओवरकम होता नजर आएगा, हम नया हाई बनाते आते दिनों में, हफ्तों में, महीनों में देखने को मिलेंगे। तो IT इंडेक्स में कोई डरने वाली बात नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिसके बारे में बाद में वापिस एक बार बात करने वाला हूँ, वो रहेगा निफ्टी PSU बैंक्स। देखो दोस्तों, पिछले बार मैंने कहा था ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा एक बड़ी मूव आएगी, तो हम उसके ऊपर तैरते नजर आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अभी जो नेक्स्ट वैल्यू है जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए वो ये है, इधर का टॉप, ये टॉप और ये टॉप सिमिलर टॉप्स है और उसकी वैल्यू 2585 है। जैसे ही PSU बैंक्स का इंडेक्स 2585 निकलेगा, मेरा मानना है ये 2700 2800 के टारगेट्स के लिए जाता नजर आएगा। तो इस बार इस वीडियो में आपको एक स्टॉक भी देने वाला हूँ, वो PSU बैंक्स का होगा। पिछली बार भी दिया था पर अभी एक चेंज होके आ गया है। कैन बैंक दिया था पर कैन बैंक बैन लिस्ट में चला गया, तो होता क्या है कि स्पेकुलेटर्स अटक जाते हैं, उधर थोड़ा सा पॉज मिलता है। वीक नहीं हुआ है कैन बैंक, पर मेरा मानना है कि उधर थोड़ा सा पॉज हुआ है। जो दूसरा स्टॉक है जो कि मैंने शुक्रवार के दिन पे स्पेशल गूगल करके कहा था, ऐसा ही एक स्टॉक, वही एक स्टॉक आपको मैं देने वाला हूँ डिलीवरी बेस्ड बाइंग के लिए। बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है, थोड़ी देर के बाद वो देखने को मिलेगा।
बैंक निफ्टी पे सॉरी पीएसयू बैंक इंडेक्स पे बात की। दूसरा जो सेक्टर है जहाँ पे आपका आपसे बात करनी है वो है ऑटो। ऑटो का इंडेक्स बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये कंसोलिडेशन बहुत ही बड़ा था, ये लगभग फरवरी की बात है, फरवरी से लगातार एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, अभी ये इधर से निकला है। तो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स देखने चाहिए, और इसमें भी मैंने एक स्टॉक चुना है उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो ऑटो सेक्टर का भी एक स्टॉक दूंगा जो कि मीडियम टर्म आउट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। उसके बाद जो सेक्टर है निफ्टी मेटल्स, देखिए मेटल्स ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस किया है, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, कोई मंदी की बात नहीं है, एकदम शांत है। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है ये बहुत बढ़िया है। इसने लगातार 2.5 महीने हो गए एकदम सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है, रिजल्ट सीजन आ रहा है, जैसे ही इनके रिजल्ट्स आते नजर आएंगे और अगर अच्छे आते हैं तो एक ब्रेकआउट मिलेगा। ब्रेकआउट वैल्यू आपके सामने है दोस्तों, ब्रेकआउट वैल्यू अगर ट्रेंड लाइन का देखते हैं तो वैल्यू है 5900, मैं राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ, 5600 पे ट्रेड कर रहा है। 5900 जैसे ही टूटेगा आपको ये देखने को मिलेगा कि मेटल वाले स्टॉक बहुत परफॉर्म करेंगे। तो आपको लीडर्स मालूम है कौन कौन है, पहले 3 स्टॉक्स 4 स्टॉक्स इस पे ध्यान देना, बहुत अच्छा परसेंटेज रिटर्न आपको मेटल इंडेक्स से देखने को मिलेगा। ये कंट्रीब्यूटर्स रहेंगे दोस्तों जो मैं निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले निफ्टी पे बात की, उसके बाद आपको पीएसयू बैंक्स की इंडेक्स की बात की जहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट के कगार पे है, तो पीएसयू बैंक्स करेंगे कॉन्ट्रीब्यूट, आईटी करेगा, ऑटो करेगा, मेटल्स करेगा, और आखिर में जो इम्पोर्टेंट चीज है निफ्टी प्राइवेट बैंक, ये भी लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट देने के कगार पे है। तो इसका ब्रेकआउट वैल्यू है 20,120। ये जब निकलेगा वापस एक बार आपको देखने को मिलेगा सारे प्राइवेट बैंक्स जो कि पिछले 2 हफ्तों से एक रेंज में देखने को मिल रहा है, उसमें से एक ने ब्रेकआउट दिया है, बाकी ने कॉन्ट्रीब्यूट करना बाकी को कॉन्ट्रीब्यूट करना बाकी है, इसलिए शायद हम बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, इसलिए शायद बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, वो अच्छी बात है। पर पॉजिटिव स्टांस बिल्कुल होना चाहिए, कोई नेगेटिव बात मुझे चार्ट्स पे अभी देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों दो चीज़ें इस हफ्ते से टेलीग्राम चैनल, मैंने यूट्यूब वीडियो में भी कहा था, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि हमारी जो वेबसाइट है आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कीजिए आपके मोबाइल पे, और उसके बाद आपको सिर्फ इधर जाके क्लिक करना है मोबाइल से ही, या अगर आप मशीन पे हो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे हो तो उधर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिएगा और फिर इधर क्लिक कीजिए, आप जुड़ जाओगे। इस हफ्ते से मिनिमम 2, मैं प्रयास करूँगा ज़्यादा, पर मिनिमम 2 स्टॉक्स इंट्राडे बेसिस पे एक अच्छी मूव मिला देते नज़र अगर आते हैं तो मैं देने की कोशिश करने वाला हूँ। तो आपको डिलीवरी तो मिल ही रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल्स मिल रहे हैं, पर अभी मैं इंट्राडे मूव्स भी कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। ओके, 6 स्टॉप लॉसेस रहेंगे, सारे फ्यूचर्स के वैल्यू रहेंगे, आपको जहां एग्जिट करना है कर सकते हो, पर मैं एग्जिट टारगेट भी दूंगा, वहां पे एग्जिट कर किया तो अच्छी बात होगी। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से ये सब टेलीग्राम पे मैं देने वाला हूँ, मैं ट्रेड सेटअप्स दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको वो इंट्राडे मूव्स। हाँ, और एक सिंपल सी चीज़ मुझे बोलनी है दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल पे एक्ट फास्ट करना है, अगर आप देरी से करते हो तो आप महंगे मिलोगे। तो आपको टेलीग्राम चैनल, अगर आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो तो वो टेलीग्राम चैनल आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल होना चाहिए, टेलीग्राम ऐप। अगर वो टेलीग्राम ऐप आपके डेस्कटॉप पे है, जैसे ही मैं कॉल दूंगा आपको पॉपअप आ जाएगा और वो पॉपअप के साथ आप इमीडिएटली एक्शन ले सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऐप के टेलीग्राम ऐप आपके मशीन पे रखें, क्योंकि मोबाइल पे कई मैसेजेस आते हैं और आपको देखने में देरी हो सकती है, उसके वजह से आपको जो प्रॉफिट्स होने चाहिए उतने नहीं होंगे। ओके, दूसरा ट्विटर को फॉलो कीजिएगा, ट्विटर पे मेरे ट्विटर हैंडल पे फॉलो कीजिए, नीचे मेरा ट्विटर हैंडल आपको दिख ही रहा होगा। तो मेरा मानना है कि उसको अगर आप फॉलो करते हो तो उधर भी कई सेटअप्स आपको देखने को मिल सकते हैं।
अभी आते हैं दो स्टॉक्स पे, सॉरी अभी हम जाते हैं कमोडिटी मार्केट्स में। कमोडिटी मार्केट्स की बात की तो एमसीएक्स पे पहले हम क्रूड देखेंगे। क्रूड पिछले बार भी मैंने कहा था पॉजिटिव रुझान देखने में मिल रहा है, पर कोई पैटर्न नहीं है दोस्तों। तो मेरी एंट्री नहीं है, पैटर्न नहीं है, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं है, टारगेट नहीं है, तो मैं एंट्री नहीं करना चाहूंगा। अगर कोई पैटर्न बनता है तो ही मैं एंटर करता हूँ, नहीं तो नहीं है। तो मेरा मानना है कि पॉजिटिव बायस है, इधर से क्रूड और बढ़ता बिल्कुल नजर आएगा, कोई मंदी के संकेत नहीं है। और आपको जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, तो आपको उसको कॉम्पनसेट करना है, तो स्टॉक मार्केट में आपकी एक्टिविटी तो ज़रा जोर से होनी चाहिए। तो ताकि अगर फर्ज करो 140 भी पेट्रोल हो गया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी पेट्रोल भरने में। इतना पैसा हम स्टॉक मार्केट से बनाना चाहते हैं, और जो जिन्होंने वर्कशॉप किया है उनको मालूम है जिस तरीके से वो पैसा कमा रहे हैं। ये रहा क्रूड पे। गोल्ड पे बात करेंगे तो गोल्ड भी मेरा मानना है कि साइडवेज, ये कोई बड़ा पैटर्न नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था अगर और सस्ता हो जाएगा तो बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, पर कोई ऐसा खास पैटर्न नहीं है जहाँ पे बड़े बड़े मूव्स देखने को मिले। सिमिलर विथ सिल्वर। सिल्वर भी मेरा मानना है कि फेस्टिव सीजन के चलते थोड़ा सा डिमांड देखने को मिल रहा है, पर मेरा मानना है कि ये भी एक साइडवेज मूव ही रहेगा। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखनी है, वो है वर्ल्ड इंडेक्सेस, डाउ जोन्स का चार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी गिरावट पिछले हफ्ते हमने देखने को मिली, जो पर मैंने जो लेवल दी थी 33,600, इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली। इसका मतलब है वर्ल्ड और कोई मंदी के संकेत अभी भी देखने को नहीं मिल रहे। तो आपको शांत रहना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। जब तक मंदी के संकेत नहीं आते तब तक शॉर्ट पोजिशंस नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने कई बार कहा है कि हमें टॉप पे कभी भी टॉप हुआ है ये पता नहीं चलने वाला। दैट इज द सैडेस्ट पार्ट फंडामेंटली एंड टेक्निकली। ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमारी सेल कॉल थोड़ी सी नीचे ही आएगी, पर जब सेल कॉल आएगी तब हमें गिरावट उसके बाद बहुत देखने को मिलेगी। तो चिंता की कोई बात नहीं है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कामकाज करते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि आपका ये जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद वाला जो है वो है रुपी डॉलर का चार्ट। रुपी डॉलर का चार्ट देखते हैं तो रुपी बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है, स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है, शायद एफआईआईज बाइंग करते नजर आ गए हैं। तो जो इधर गैप छूटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, 24 सॉरी 74.25। 74.25 के जब तक हम ऊपर है रुपी में स्ट्रेंथ ही देखने मिलेगी। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 75.50। 75.50 तक के टारगेट्स ओपन है, इधर तक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे वापस एक बार रिव्यू लेना चाहिए, जहाँ जो भी अभी स्ट्रेंथ के लिए एक रेजिस्टेंस है। अभी जो मैंने कहा दो स्टॉक्स या तीन स्टॉक्स जो बहुत अच्छे देखने को मिल रहा है, पहला बैंकिंग स्टॉक के बारे में बात की, तो बैंकिंग स्टॉक्स का अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा शानदार ब्रेकआउट है। देखिए आप देख रहे हो जिस किस तरीके से बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। फंडामेंटल रीजंस बाद में आएंगे, पर जो पैटर्न है मेरा मानना है कि पहला रेजिस्टेंस जो है वो 95-96 के आसपास रहेगा, जो कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। और ये बड़ा अभी जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस किया है उनको ये पता चलेगा कि अगर ये 95-96 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा, उसके ऊपर की क्लोजिंग होगी, तो ये जो पैटर्न बना है ये बहुत ही स्ट्रांग पैटर्न है, और इसका टारगेट लगभग लगभग 150 का आ रहा है। इसके लिए टाइम लगेगा, शायद 8 से 10 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, पर अभी 88 में थ्रो अवे वैल्यूएशन पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा मिल रहा है। आपका स्टॉप लॉस क्या है इस लाइन के नीचे, यानी 84। 4 रुपए की रिस्क है दोस्तों, 88 पे क्लोज है, 84 का क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये जो टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप किया है उनको मालूम है कि कितने दिन का वो स्टॉप लॉस रहेगा, उसके बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उसी तरह से आपको बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदना चाहिए, 4 रुपए का रिस्क है, डिलीवरी बेस्ड बाय कीजिएगा और अभी होल्ड कीजिएगा। अगर 95-96 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तो 150 का रेट आपको 1 साल के अंदर देखने को मिलेगा। कितना रिटर्न है
88 से 150 परसेंटेज वाइज देखिए दोस्तों, स्पेकुलेशन में मत जाइए, ऑप्शंस में मत जाइए, फ्यूचर्स में मत पोजीशंस लीजिए। मेरा मानना है कि आप आराम से डिलीवरी बेस बाइंग करके रखिए, बिल्कुल ये टारगेट देखने मिलेंगे अगर 96 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है। अगर वीकली क्लोजिंग मिलती है तो और भी अच्छा है। तो आपको अभी सस्ते में मिल रहा है, अभी 4 रुपए के रिस्क लेके जितनी क्वांटिटी हो सके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप बाय कीजिएगा। दूसरा, ऑटो सेक्टर के बारे में बात की मैंने, तो टाटा मोटर्स का चार्ट देखिए दोस्तों, ये रहा डबल टॉप का ब्रेकआउट, ये बहुत ही शानदार है। अभी 382-83 के आसपास की क्लोजिंग है। मैंने जब बात की थी मैंने 400 के टारगेट्स दिए थे, इस दिन 360 के आसपास था ये क्लोज। परसों के दिन शुक्रवार के दिन हमने लगभग 397.55 यानी 400 हो ही गया, टारगेट अचीव्ड है। पर मैं डिलीवरी बेस्ड बाइंग जो है, अगर फ्यूचर्स में पोजीशन है, ऑप्शंस में पोजीशन है, मैंने बुक कर लिया, पर जो आपका डिलीवरी बेस्ड है वो मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगा। इनफैक्ट नीचे अगर ये रिट्रेस होता है 360 के आसपास, जितना नज़दीक आया मैं और ऐड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 355 का रहेगा एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट्स में मानता हूँ जो पैटर्न है, ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन जनवरी फरवरी महीने से है, यानी लगभग लगभग 9 महीने का कंसोलिडेशन है। इसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो मेरा मानना है कि आते 6-8 महीने में ये 550 600 का भाव भी हुआ तो मैं आश्चर्य बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, ऑप्शन में नहीं है, फ्यूचर्स में नहीं है। तो दोस्तों ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब फ्यूचर में करना है, कब ऑप्शन में करना है और कब डिलीवरी बेस्ड बाइंग करनी है। चार्ट पैटर्न शानदार है, आपको बाय एंड होल्ड करना है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस। ओके, और तीसरा जो चार्ट है वो है सन फार्मा। सन फार्मा भी बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया है इस ट्रेंड लाइन का, इसके ऊपर ही रह रहा है। मेरा मानना है कि ये भी मीडियम टर्म आउटलुक से बहुत अच्छा है। 821 का क्लोज है, आपको इधर से 810 तक आपका एक्युमुलेशन जोन रहेगा, आपका स्टॉप लॉस 790 का रहेगा एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस। और आपको शायद ये स्टॉक 3 से 6 महीने रखना पड़ेगा, पर ये 4 डिजिट फिगर में जाने के लिए तैयार है। तो अगर ये 4 डिजिट में चला जाता है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके इसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड करना चाहिए। इसके 2 रीजन है, एक तो टेक्निकल ब्रेकआउट है, दूसरा फार्मा स्टॉक सारे गिर रहे हैं, ये स्टॉक है ये गिर नहीं रहा है, यानी इनहेरेंट स्ट्रेंथ इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। ऐसे स्टॉक्स आपके कोर पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो मैंने 3 स्टॉक्स बताए आपको कोर पोर्टफोलियो में, ऑप्शंस नहीं, फ्यूचर्स नहीं, प्योर डिलीवरी बेस्ड बाइंग, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब कुछ बताया गया है। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही, ऐसा ही प्यार बरसाते रहो, बहुत सारे कमेंट्स भेजते रहो, मुझे एनर्जी मिलती है। और दशहरे पे, दशहरे के अवसर पे नेक्स्ट संडे को और भी बड़ा अच्छा वीडियो मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।